बस हो गए हंसो गए दानियार मैं यहीं रुकना चाहती हूँ पापा को इस वक्त मेरी जरूरत है मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती तुम तो जानते हो ना उनकी तबीयत के बारे में रामीन लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता तुम्हें भी केयर की जरूरत है तुम अच्छी तरह जानती हो आई नो दानियार लेकिन फिलहाल मैं अपनी तबीयत का ख्याल रख सकती हूँ तुम फिक्र मत करो मैंने तुम्हें कहा भी था पापा से बात करो नहीं मनाओ कि वो हमारे साथ आकर रहे लेकिन तुमने तो वो भी बात नहीं की मैं भूल गया था रामी चलो अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन रुकना है तो तुम रुक जाओ मुझे मुझे इतराज नहीं होगा प्लीज दानियार तुम भी यहीं रुक जाओ हम यहाँ आराम से रहेंगे और फिर पापा भी हमारे साथ होंगे तुम्हारा मतलब है मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर आकर रामीन मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां मैं नहीं छोड़ सकता क्यों दानियार ये भी तो हमारा ही घर है और हम दोनों मिलकर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे मैंने कब कहा कि हमारा घर नहीं रामीन तुम यहाँ जितने दिन रुको मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता बस मैंने कह दिया ना मैं लेट हो रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ अपना बहुत ख्याल रखना मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा आखिर कैसे समझाता मैं रामीन को कि मैं वहां ताइबो का सामना नहीं कर सकता मुजरिम हूं मैं उनका मुजरिम तो मैं तुम्हारा भी हूं रामीन या अल्लाह मदद कर भी हाय दानियाल कैसे हो मैं ठीक हूँ तुम बताओ आई एम गुड बिल्कुल तुम्हारी तरह खैरियत तुमने कॉल की है अभी शाम में तो हम मिले थे वो इसलिए कि पाकिस्तान में तुम ही तो मेरे दोस्त हो जो मुझसे इतने करीब हो कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त कॉल करके तंग कर सकती हूँ लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं नहीं मेरे बिना ऐसी कोई बात नहीं है बस ऑलराइट रामीन से बात करवाओ एक्चुअली अलविना रामीन अपने पापा के घर गई हुई है उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तो तुम्हारी उससे बात नहीं हो पाई ओह आई सी उसके बावजूद भी तुम मुझसे बात करने में इतना घबरा रहे हो वहां अमेरिका में तुम मुझसे बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते थे उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है नहीं दानिया फर्क वक्त में नहीं जज्बों में आ जाता है खैर छोड़ो ये बताओ कि कल मेरे साथ लंच करोगे
कल का अलविना मैं वादा नहीं करूंगा क्योंकि ऑफिस में काम बहुत है, अगर मसरूफियात खत्म हो गई ऑफिस की तो फिर कुछ देखा जा सकता है। श्योर, चलो मैं तुम्हें कल कॉल करके कंफर्म करती हूँ। ठीक है। रईस, आपने मुझे बताया नहीं फिर? क्या? यही कि अम्मी जान ने आपको कल बुलाया था, क्या बात हुई? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि फलक की और फैजान की लड़ाई हुई थी। जरूर तुम्हें शहरी ने बताया होगा। अब जिसने भी बताया है ना, ये रहने दे। क्या बात हुई ये बताएं। अरे कुछ नहीं भाई, मम्मी जान खामखाई फलक और फैजान की लड़ाई की वजह से परेशान हो गई थी। अब देखो ना, बच्चों की लड़ाई में हम बड़ों को तो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए ना। आज लड़े हैं, कल फिर हंसते गाते फिरेंगे। रईस, इतने भी बच्चे नहीं हैं वो दोनों। व्हाटएवर, लेकिन फाइनली मैंने मम्मी जान से कह दिया कि बच्चों पे जबरदस्ती ना करें और शादी वाली बात को फिलहाल यहीं रोक दें। तो क्या हम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे उनकी जिद के पीछे? आपने अम्मी से बात की ही क्यों? अरे तो और क्या करता मैं? और नाजिया, ये तुम किस जमाने की बात कर रही हो? हम बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा फर्ज करो, कल अगर शादी के बाद फैजान फलक को छोड़कर वापस अमेरिका चला गया तो क्या तुम उसे रोक लोगी? बोलो। और अम्मी जान की और हमारी ख्वाहिश का क्या होगा? वो तो आप दोनों बहन भाइयों की औलादों को एक होते हुए देखना चाहती है ना। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि जब बच्चे ही इस बात पे राजी नहीं है तो मेरी, तुम्हारी या अम्मी जान की ख्वाहिश की अहमियत रह क्या जाती? जरा दिमाग से सोचा कर, बेकार की बहस मत किया करो। ये ले। शुक्रिया। एक तो इस घर में मेरी कोई बात ही नहीं समझता। अब आप अच्छा फील कर रहे हैं ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और ये सब मेरी बेटी के यहाँ आने की वजह से हुआ है। तुम्हारे कदम घर पर पड़ते ही मेरे घर की फिजा खुशगवार हो जाती है। वो कहते हैं ना कि बेटी के हर कदम पर बाप के लिए नेकियां लिखती जाती हैं। आपके लहजे से महसूस हो रहा है कि बाप अच्छा फील करें। अल्लाह, तो मैं बहुत डर गई थी पापा, और दानियाल भी बहुत परेशान थे आपकी वजह से। बेटा, अगर कल तुम उसके साथ चली जाती तो? नहीं पापा, दानियाल से इजाजत ले ली है मैंने। मैंने उसे कह दिया है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं, मेरी वजह से इतनी परेशानी मोल क्यों ले रही हो बेटा? तुम्हारा अपना घर है और अब तो तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत सख्त जरूरत है। फिर वही बातें, मैं अब आपकी एक बात नहीं मानूंगी, आपको मेरी बात माननी है। मैं यही रहूंगी आपके साथ। ठीक है बेटी, जो तुम्हारा को। चलो अब कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, बस 5 मिनट। पहुंच गई। बस बस बस, मम्मा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे मेरे फ्रेंड की तरफ जाना है, मुझे ड्रॉप कर दे। आई एम गेटिंग लेट, मुझे पहले ही देर हो रही है, तुम कुछ और अरेंज कर लेना। आई हैव टू गो, बाय बाय। बेटा, ये माँ से तुम क्या बहस कर रही थी? मामा को बोला कि फ्रेंड की तरफ ड्रॉप कर दे, उनको अपनी पड़ी थी और चले गई वो। क्या जाना बहुत जरूरी है? जी, फ्रेंड से नोट्स कलेक्ट करने हैं, कोई हेल्प नहीं करता इस घर में मेरी। रुको तो सही, तुम लोग तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हो। भाई मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगी।
ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू। बस हो गया, अच्छा ठीक, रुको मैं अभी आती। Yes, come in. अरे नानी आप? क्यों? क्या कोई और आने वाला था? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम ऑफिस के लिए कितनी देर में निकल रहे हो? बस जस्ट इन फ्यू मिनट्स नानी। मैं शॉपिंग जाना चाह रही थी, तो तुम प्लीज मुझे मॉल तक ड्रॉप कर दोगे? श्योर, व्हाई नॉट, आप हुकुम करें नानी। बस दो मिनट दे, मैं भी आया। मुझे यकीन था कि तुम्हारा जवाब यही आएगा। मेरा बच्चा नानी को कभी मना थोड़ी कर सकता है। अल्लाह मियां तुम्हें बहुत खुश रखे, हजारों खुशियां दिखाए, चांद से दुल्हन दे। बस मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। जी दादी, कितना टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ। बस तुम गाड़ी में बैठो, ड्राइवर अभी आता। चल आप बैठो। थैंक यू। चले नानी? हाँ बेटा चलो। नानी ये फलक क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। भाई उसको उसकी दोस्त के यहाँ छोड़ना है, ड्रॉप कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं? तो चलो फिर। थैंक गॉड तुम्हें आज ऑफिस से टाइम तो मिला, वरना मैं तो कल सोच रही थी कि तुम ना मिलने का बहाना कर रहे हो। अब सच बताऊं अलवीना, तो जब तुम्हारी कॉल आई है तब मुझे पता चला कि आज हमें लंच पे जाना, मुझे याद नहीं था। अच्छा, और मैं ये सोच रही थी कि तुम खुद मुझे कॉल करके पूछोगे कि कहाँ मिलना है। हाँ मैं तुम्हें कॉल करता, लेकिन अगर मुझे याद होता तो, तुम जानती हो मैं ऑफिस में कितना बिजी रहता हूँ, हर वक्त काम काम, अभी भी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। दानियाल, तुमने अमेरिका में कभी जिक्र तक नहीं किया मुझसे, और यहां आकर अचानक शादी कर ली। एक्चुअली बात यह है अलवीना कि मुझे खुद आइडिया नहीं था कि रामीन मेरी बनेगी भी या नहीं, इसलिए मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक और सच ये भी है कि रामीन ने बहुत तकलीफें सही, और ये सारी तकलीफें उसे दूसरों ने दी। मैं रामीन को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता, हमेशा खुश देखना चाहता। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, तुम कुछ ऑर्डर करो, हम लंच करने आए ना। हाँ श्योर। तो बस, और ये लंच मेरी तरफ से। ओके एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? बस बेटा बस, ठीक यही मुझे उतार दो, मैं थोड़ी देर शॉपिंग करूंगी। एक काम करो मेरा। जी नानी। बेटे जरा फलक को उसकी सहेली के यहाँ छोड़ दे। फलक को? नानी मगर खुदा हाफिज।
नानी ने भी कहां फंसा दिया, दिल करता है इसे यहीं उतार दूं। इडियट, स्टुपिड, अगर मुझे पता होता ना तो मैं इसके साथ कभी नहीं आती। बस यहाँ पे ही रोक दो। इंसान एथिकली थैंक यू क्या देता है? वो क्यों बोलू? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो कोई एहसान नहीं किया है तुमने, वो तो दादी ने तुम्हारे साथ बिठा दिया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का। तुम क्या नहीं बैठती, मैं खुद तुम्हें अपनी गाड़ी से उतार देता। वो तो नानी ने फंसा दिया मुझे। सीरियसली दानियाल, आज तो मुझे अमेरिका के वो दिन याद आ गए जब हम लोग डेली साथ में खूब घूमते फिरते थे। हाँ सच में, कभी कहीं जाते थे कभी कहीं जाते थे, हर वक्त ही घूमते रहते थे। बहुत एंजॉय किया। हेलो। कहाँ पर हो तुम? मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ। राजा आ जाओगे यहाँ? लेट्स सी, अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं आ जाऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, अपना अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने रामीन से झूठ क्यों कहा? क्यों दूर जाके सो गई है माँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो